यूक्रेन के बीच संघर्ष लगातार लंबा खिंचता चला जा रहा है। रूसी सेना भीषण बमबारी कर यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान पहुंचाती जा रही है। रूस एक बार फिर फ्रंट फुट पर यूक्रेन पर हमला बोल रहा है। यूक्रेन के कई इलाकों पर रूसी सेना ने अपना झंडा फहरा दिया है। हार के मुहाने पर खड़े जेलेंस्की ने फिर से हथियारों की कमी का राग अलापा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन के सामने आने वाले एक बड़े संकट की ओर इशारा किया है। जेलेंस्की ने डर जताते हुए बताया कि रूस की ओर से लगातार मिसाइल हमले जारी हैं। अगर यही हाल रहा तो यूक्रेन के डिफेंस को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जेलेंस्की ने आगाह किया कि अगर रूस ने लंबी दूरी की बमबारी का अपना अभियान जारी रखा तो यूक्रेन के एयर डिफेंस मिसाइल खत्म हो सकते हैं। जेलेंस्की ने यूक्रेन की एयर डिफेंस के बिगड़ते हालात के बारे में अब तक की सबसे कड़ी चेतावनी दी है। इतना ही नहीं, यूक्रेनी मीडिया के सामने जेलेंस्की ने खुलासा किया कि यूक्रेन के साझेदार देश इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जेलेंस्की ने स्वीकार किया कि यूक्रेन की युद्ध में हालत गंभीर है। बचे कुचे सीमित हथियारों के साथ उसे अब ये विकल्प चुनना पड़ रहा है कि किसकी रक्षा की जाए और किसकी ना की जाए। दरअसल यूक्रेन के पास अब युद्ध जारी रखने के लिए पर्याप्त गोला बारूद नहीं है। यूक्रेन राष्ट्रपति ने माना कि हमारे पास जवाबी आक्रामक कार्रवाई के लिए गोले नहीं हैं और अब मदद हमें चाहिए जितनी जल्दी हो सके। माना जा रहा है कि जेलेंस्की ने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत की ओर इशारा किया। युद्ध के शुरू होने के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम दिए थे। पैट्रियट को दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। यह आसमान से आने वाले किसी भी खतरे को भांप सकता है। जेलेंस्की ने माना कि पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से जुड़े रूसी टारगेट के दौरान काफी महत्वपूर्ण साबित हुए थे। जेलेंस्की ने यूक्रेनी सरजमी की रक्षा के लिए 25 एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पर जोर दिया है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि उनका देश ऋण समेत अमेरिकी सहायता पैकेज हासिल करने के लिए तैयार है। इस बीच जर्मन न्यूज एजेंसी बिल्ड को दिए इंटरव्यू में नेटो महासचिव स्टोल्टेनबर्ग ने दो टूक कहा कि यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की आगामी डिलीवरी से यूक्रेन में युद्ध की दिशा नहीं बदलेगी। उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन को मानना होगा कि कोई भी सिल्वर बुलेट हथियार निश्चित रूप से यूक्रेन की जीत सुनिश्चित नहीं कर सकता है। बावजूद इसके यूक्रेन मदद की उम्मीद में है, क्योंकि इस संकट से उबरने का उसके पास और कोई चारा नहीं बचा है और ना ही वो अब पीछे ही हट सकता है।